अच्छे दिन आ तो गए जो लखनऊ से मेरी माता बहने, बस्ती गोंडा से मेरी माता बहने यूपी गेट पर दिल्ली बॉर्डर पर आई बैठी हैं, अपनी खुले में सो रही हैं, अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठी हुई हैं। ये अच्छे दिन हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ कहते हैं घर घर शौचालय बनवाओ, और तीसरी तरफ लाकर उन्होंने कड़कती ठंड में दिसंबर के महीने में महिला हिंदुस्तान की छोटे छोटे बच्चों को लेके खुले में सो रही है, खुले में शौचालय, उस ये व्यवस्था है भारत देश की। ये अच्छे दिन है, ये भारत की नारियों के लिए अच्छे दिन है। इन्होंने अपने वादे से अब मुकर गए, आए तो नहीं दूनी कर पाए, मुल्क किसान का बेचने का काम इन्होंने कल डाला। बताइए जब वादा किया था कि किसानों की हम आए दूनी करेंगे, बताइए एक काम बता दीजिए जहां किसान की आय दूनी हुई हो। मैं निर्देश चौधरी, जिला अध्यक्ष जनपद मुरादाबाद से बाबा टिकैत की सिपाही। देखिए हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले तो किसान कोई रणनीति नहीं बनाना जानता, किसान भोला भाला अनपढ़ किसान है। अगर पढ़ा लिखा किसान होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की कुर्सी पे हमारे किसानों के नेता बैठे हुए होते, वो किसानों के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, किसान बैठा हुआ था। लेकिन जनता ने चुना, अच्छे प्रधानमंत्री को अच्छा प्रधानमंत्री बनाया, देश हित के लिए, देश के लिए काम करेंगे। माना कि सब प्रोजेक्टों में वो काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट किसान का क्यों पीछे है, किसान को क्यों पीछे रखा उन्होंने। हम अपनी मांग को लेके बैठे हैं, हमारी मांग 3 अध्यादेश जो काले कानून इन्होंने लागू किए हैं इस भारत देश में, इसे वो वापस लें। लेकिन 6 दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार से और किसानों के बीच में बिल्कुल भी वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है, टस से मच होंगे या जड़ से उखाड़ फेंकेंगे हम। ये किसानों का टेस्ट लिया जा रहा है क्या सरकार द्वारा? सरकार जाने, उसे टेस्ट लेने का शौक है, टेस्ट ले, किसान नहीं जानता टेस्ट कैसे लिया जाता। किसान सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को लेकर बैठा है। जो 2012-13 में आंदोलन चला था अन्ना आंदोलन, उस आंदोलन के बाद में सरकार चली गई थी कांग्रेस की, तो क्या आपको भी लगता है कि ये आंदोलन सरकार के मतलब सरकार को नुकसान कर सकता है? देखिए हमारी लड़ाई पार्टियों से नहीं है, हमारी हम नहीं जानते कौन सी पार्टी क्या है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठी सरकार से है, सरकार से, सरकार की नीतियों से, जो सरकार नीतियां बना के लाती है। किसान विरोधी सरकार है, हमारी लड़ाई सरकार से है। लेकिन मोदी सरकार तो कहती है कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी लागत का 1.5 गुना मिलेगा, तो आपको फिर दिक्कत क्या है इससे? कहाँ मिला 1.5 गुना, अच्छे दिन कैसे आ गए? लेकिन सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, जो कुछ मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है, चले जाएंगे कुछ दिन बाद। जो कार्यकर्ता मुट्ठी भर किसान बताते हैं, शायद वो भूल गए हैं, वो इस भारत देश के ही है ना, वो इस भारत देश के ही है, वो राजनेता। ये सर किस भारत देश 70% कृषि देश है, 10% मेरा किसान भाई रोड पाया, अभी 60% घरों में है, 60% भी रोड पाएगा। कह रहे हैं कि जो असली किसान है खेतों में काम कर रहा है, ये तो विपक्ष ने बरगला दिया है इन लोगों को। हम तो जानते ही नहीं कौन विपक्ष, जिनका वो उनके जो विपक्ष होंगे वो अपने विपक्ष को देख रहे होंगे। हमारे पास कोई राजनेता नहीं आ रहा, हमारे यहाँ कोई विपक्ष नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ किसान और मजदूर भाई उपस्थित है, मजदूर से किसान है, किसान से मजदूर है। 6 दौर की वार्ता हो चुकी है आपकी सरकार से, ये किसानों का जो आंदोलन है कहाँ तक जा सकता है? ये कहाँ तक जा सकता है, किसान आक्रोश में है, किसान त्राही त्राही हो रहा है, इस भारत के किसानों की तरफ पूरे दुनिया के किसानों की, पूरे विश्व की नज़र गड़ी हुई है, आखिरकार भारत के किसानों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। जब गेहूं हम बुवाई करेंगे तो 5,000 रुपया बुवाई के समय लगता है 1 बीघे में, और हम धान पैदा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 12,000-13,000, और हम 5,000 तो बुवाई के समय में लगा देंगे, बचा 6,000 में अभी उसमें खाद डीलना है और सिंचाई भी करना है। अब बताइए हम तो बराबर हो गए इस रेट में, किसान कहाँ से जी पाएगा? तो खेती करने क्या घाटे का, तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ जो ये काला कानून पास किए हैं, जो किसानों के पास बहुत बड़ी समस्या है, किसानों के साथ अन्याय करने का काम किया है,
इसीलिए किसान अभी तो यहाँ किसान खाली किसान आया है, गिने चुने किसान आए हैं, एक गांव से एक किसान, दो किसान, चार किसान मूल। अगर इसमें योगी जी, मोदी जी और जितने इनके सारे नेता हैं, अगर इस पे विचार नहीं किया, ये कालू काने कानून को वापस नहीं लिया, तो किसान तो यहाँ ये नहीं पता लगा पाएंगे कि किसान है कितना और किसान करेगा क्या। जैसे किसान उम्मीद नहीं थी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या इनका उम्मीद थी? यही किसान बना दिया। इसी तरह ये अपना आकलन नहीं कर पाएंगे, और अगर इनको आकलन करना है तो ट्रेन चलवा दें, और ट्रेन चलवाने के बाद तीसरे रोज देख लें, चारों तरफ यहाँ किसान के अलावा सिवाय कोई नहीं दिखेगा। और किसान कोई इनसे भीख मांगने नहीं आया, अपना अधिकार मांगने आया। भीख तो वो मोदी जी, योगी जी मांग रहे हैं किसान से, किसान भीख नहीं मांग रहा। किसान के साथ तुमने अन्याय किया, चोरी का काम किया, घटिया का काम किया, वो अपना काला कानून वापस ले ले, किसान का अधिकार दे दे। किसान की लड़ाई के सरकार से तो थोड़ो है, सरकार तो किसान तो सरकार को बनाया था कि अच्छा काम करे। हम ज्यादा जैसे वो कह रहे हैं हम 50 साल की उम्मीद है, तो किसान का भी उम्मीद था कि हम 50 साल आपको बनाए रहेंगे और सरकार चलाते रहना। मुल 5 दिन में तो आपने ये काल किसानों के साथ अन्याय किया है, किसानों को बेचने का काम किया है, अब 50 दिन कहाँ चलेंगे 50 साल आपके? और अभी वो दिन नहीं दूर है किसान का न्याय मिल जाए, किसान का अधिकार मिल जाए, तो हो सकता है किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ, अन्य नेताओं के साथ बैठ करके जो इनका बिल पास करना था बैठ कर एक चर्चा कर लेते। वोट के लिए तो चर्चा किए, गांव को वादे किए थे कि आप लोग वोट दीजिए, हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमको सांसद बना दीजिए, हम आधुनिक करेंगे। इसलिए चीज के लिए नहीं आधुनिक चर्चा किया किसी नेता से, किसान नेता से, किसान से।